नेक्स्ट स्टॉप चाय पे चढ़ने के बाद जो यहाँ का व्यू मिलेगा, या मैं वाटर वाटर यही वो ड्रैगन पॉइंट है जहाँ पे अभी हम नीचे से पूरा स्टेयर करके ऊपर तक आए हैं। उतर गया हूँ निनविन में और ये टैमकुक का इलाका है और यहाँ से मुझे जाना है मुआ कैप्स। यहाँ से करीब करीब 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। पीछे आप देख रहे हैं एक यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आते वक्त मैं शायद यहीं पे खाना खाऊंगा कि बहुत दिनों से 3-4 दिनों से सही से मैं खाना खाया नहीं हूँ, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर खाना खाऊँगा, अभी तो नहीं आने के बाद। तो फिलहाल यहाँ पर दो डेस्टिनेशन है कवर करने के लिए, एक है मुआ केव, दूसरा है तरंगाई। में क्या है कि बड़े बड़े केव्स है जैसे हैलोंग बे में है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है लेकिन ये लैंड के ऊपर है, लाइमस्टोन केव्स हैं। सो पहले मैं जाऊँगा मुआ केव्स एंड देन मैं प्रोसीड करूँगा तरंगाई की तरफ। I want to go Mua Caves. What? Mua Caves. Mua Caves? Yeah. This way? No. Here. This way? So, अब मैं यहाँ से हिचाइक भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी आ ही नहीं रही है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर अब बचा है, 3 किलोमीटर, लेकिन फिर भी स्टिल अगर कोई गाड़ी आता तो मैं लिफ्ट मांग के आगे तक चला आता। नेक्स्ट स्टॉप सीट अप, थैंक यू। आई एम गोइंग टू द मुआ केव्स। सो फिलहाल इतना वेट करने के बाद एक लिफ्ट मिला है, लेडी जा रही थी तो मैंने उनको सलाह किया कि मुझे आगे तक जाना है, उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए बैठ जाइए। फिलहाल मुआ केव्स चलते हैं। मुझे शायद इस डायरेक्ट, तो फिलहाल मैं वेट करता हूँ किसी लिफ्ट का, फिर से कोई लिफ्ट लेता हूँ। कैप्स का जो जाने का रास्ता है ना वहाँ पे उतारे हैं और उस ऊंचाई पे चढ़ने के बाद जो यहाँ का व्यू मिलेगा वो शायद देखने लायक होगा। निनवी जो बस स्टॉप है जहाँ पे मुझे मेरी बस उतारी थी वहाँ से ये जगह 4 किलोमीटर है। सो यहाँ पे आने के लिए सबसे बेस्ट वे है आप वहाँ पे कोई साइकिल रेंट पर ले लीजिए, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग था सो मुझे ऐसा कुछ वहाँ पर मिला नहीं क्योंकि सारी दुकानें बंद थी, तो इसलिए मैं पैदल ही चल दिया। सो पैदल चलने के बाद मुझे रास्ते में पहले एक लेडी ने मुझे लिफ्ट दिया, मैंने लिफ्ट मांगा था तो उसने मुझे कुछ दूर तक पहुंचाया, फिर वहां से फिर से मैंने एक लिफ्ट लिया। सो ये भाई साहब मुझे यहां तक ड्रॉप किया और ये मेन एंट्री पॉइंट है। सो अब यहां से ज़्यादा दूर नहीं है। सो फिलहाल मैं गेट पर आ गया हूं, यही वो गेट है जहां से इंटर करेंगे। अब यहां पर टिकट है कि नहीं, टिकट है यहां पर, टिकट है, तो फिलहाल मैं एक पानी का बॉटल लेता हूं। या और ये पानी का बोतल करीब करीब 10,000 डोंग में आता है। एंड देयर इज एनी टिकट? टिकट ओवर देयर 1000 या ऑनलाइन। ओके कम ऑन या लाइक दैट। ओके लाइक दैट कम बैक सम मोर व्हाट द मस्ट बी इजी। या मैं वाटर आई फॉरगेट एंड वेयर आई पुट माय बैग। ओके या ओके
money, money, yeah. Cái này no money. Huh? No, no money. No money. Yeah, no money. Okay, now I'm going. Thank you. Come on, come on. Thank you. ये टिकट काउंटर है और यहाँ से टिकट का प्राइस या वन टिकट प्लीज टिकट का प्राइस मुझे लगा है ये करीब 100,000 डोंग सो करीब इंडिया करेंसी के हिसाब से देखें तो 200 रुपये होता है यहाँ से इंटर हो गए हैं और भाई साहब ने मुझे बताया है कि यहाँ से करीब करीब ऊपर जाने में 1 घंटे का समय लगेगा अभी सुबह का टाइम है तो टिकट चेक करने के लिए भी यहाँ पे कोई है नहीं वो जो देख रहे हैं ना स्टेयर वहाँ से 500 स्टेयर चढ़ के मुझे ऊपर जाना है पीछे केव था और उसके बाद ये स्टेयर बना हुआ है जो कि व्यू पॉइंट पर लेके जाएगा पे पहुंच गया हूं और यहां से मैं आपको व्यू दिखाता हूं कि कैसा व्यू यहां पे आ रहा है So, यही वो ड्रैगन पॉइंट है जहाँ पे अभी हम नीचे से पूरा स्टेयर करके ऊपर तक आए हैं और यहाँ से सामने का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर सामने और ये वो ड्रैगन पॉइंट है जहाँ पे अभी मुझे फिर से जाना है
ये भी एक पॉइंट है और एक वो भी पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले हैं जिनके साथ मैं अभी सेल्फी लिया हूँ और अच्छा प्लेस है, आप नीचे का पूरा व्यू देख सकते हैं। सो ये पॉइंट हो गया, अब हम चलेंगे वो वाला पॉइंट जो कि ड्रैगन पॉइंट है, तो वहाँ पे चल के आप फोटो दिखा खींचते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू आता है। लेकिन सच में ऑसम व्यू है यहाँ का, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ के लोकल है, वियतनाम के लोग हैं, सो काफ़ी अच्छे लोग हैं। सो फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट। यहाँ पे एक केव है, अब हम मैं केव के अंदर में जा रहा हूँ। ओ, दिस इज फुल ऑफ वाटर। ये जो केव है पूरा वाटर से भरा हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं अंदर तक जाऊंगा। वैसे तो वियतनाम अपने केव्स के बारे में काफ़ी जाना जाता है। वियतनाम में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा केव्स है जो कि फोंग नांग करके एक जगह वहाँ पे है, वो 35 किलोमीटर लंबा है और वो साल में एक ही बार खुलता है, नाम उसका है सैंडियो, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है उसका, सैंडियो टाइप का। और वहाँ पे और भी केव्स हैं जैसे पैराडाइज केव, डार्क केव्स, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है तो फोंग नांग विजिट कर सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा अच्छा केव है। तो दूसरा केव मिला है तो दूसरा केव को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। सूरत लेक के पास ये पूरा लेक है जिसमें बहुत सारे कमल के फूल हैं, तो इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से व्यू देखते हैं। ये यहीं पे है, इसके आप एक रास्ता चलने का बनाया हुआ है फुट जैसा, राइट, और इसके इस लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको कमल का ये फूल मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये वॉकिंग के लिए अच्छा है, थोड़ी देर आप वॉक करके जा सकते हैं। तो यहाँ का टूर कंप्लीट हो गया है, सो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से मुझे तरंगा ही जाना है जहाँ पे 2 या 3 घंटे का केव टूर होता है जो कि बोट के ऊपर लेके जाते हैं, तो काफ़ी वो अमेजिंग है। सो मैं फिलहाल वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। साढ़े 7 हो गए हैं, अब यहाँ से मुझे तरंगा ही जाना है। काफी दो क्यूट बच्चे हैं, ये देखो क्या हूँ, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे, फिर मुझे यहाँ से फिर से हिचाइक करके ही जाना है, राइट। तो फिलहाल चलते हैं कुछ दूर पैदल तक, अगर कुछ मिल जाता है मुझे तो फिर मैं वहाँ से के साथ लिफ्ट लेके मैं तरंगा ही तक जाऊँगा। तरंगा अगर देखा जाए तो यहाँ से करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और मैं जब
नहीं आ रही।